गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप हम पहले से सुनते आ रहे थे कि इस वर्ष अपना सिलेबस चेंज होगा, तो कक्षा 3 से 11 तक का सारा कोर्स चेंज हो गया है बोर्ड क्लासों को छोड़ करके। उस बदले हुए सिलेबस के अनुसार आज हम 9th का पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये अपना पहला अध्याय है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव पहले से ही जिज्ञासु रहा है कि पदार्थ क्या है, तो सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ वह सामग्री जिससे वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि बने होते हैं, उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है, यह पदार्थ की परिभाषा होगी। पदार्थ में सभी आ जाते हैं, जैसे रेत है, कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, वायु है, ये सभी पदार्थ हैं। भारत के प्राचीन जो दार्शनिक हैं, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर बना माना था। और ये 5 तत्व पंचतत्व कहलाते हैं, जैसे वायु, पानी, पृथ्वी, अग्नि तथा आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर प्राचीन दार्शनिकों ने माना कि पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सभी की सभी इन 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं। अब उसके बाद में हम लेते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों के बारे में, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 तरह से वर्गीकृत करके उनका अध्ययन किया है। तो अब लेते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 प्रकार के वर्गीकृत किया है, वो कौन कौन से 2 प्रकार हैं। एक तो है भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। हम इस अध्याय में भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद में आता है पदार्थ क्या। अब अगली बात लेते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप।
भौतिक स्वरूप यानी भौतिक रूप से पदार्थ क्या है। पदार्थ हम जानते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहले प्राचीन समय में ये धारणा थी, दो तरह की धारणा थी। एक धारणा ये थी कि पदार्थ लकड़ी की तरह सतत है, अर्थात उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये लकड़ी होती है पदार्थ पूरा ही इस तरीके से। और दूसरी धारणा थी कि प्रत्येक पदार्थ रेत के कणों की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। लेकिन वर्तमान में ये प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं इसके लिए। क्रियाकलाप ये प्रयोग क्रियाकलाप बोलते हैं, क्रियाकलाप। एक बीकर में सोयाबीन जल लेते हैं, एक बीकर में 100 ml जल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, तथा इसको एक छड़ी के द्वारा चलाते हैं, हिलाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नमक अदृश्य हो जाता है। कुछ देर बाद नमक अदृश्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नमक पानी में डालने के बाद में छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, और नमक के जो कण हैं वो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें समा जाते हैं। नमक पानी में डालने पर छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब सवाल उठता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप एक
बीकर में 100 ml जल लेते हैं, इसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं, इसमें 2 या 3 क्रिस्टल गलियों को कहते हैं, 2 या 3 क्रिस्टल डालते हैं तथा बिलियन को मिलाते हैं। विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, विलयन का रंग गुलाबी या लाल हो जाता है। ऐसा पोटेशियम परमैंगनेट के कारण होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसको पानी में डालने पर पानी का रंग लाल हो जाता है। अब इस जल में से, इस विलयन में से, इस विलयन में से 10 ml विलयन निकाल कर निकालकर 90 ml जल में लगाते हैं, 90 ml जल में मिलाते हैं। इसी प्रकार विलयन पुनः 100 ml हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम 7-8 बार दोहराते हैं। अंत में हम देखते हैं, कि विलयन का रंग हल्का होता जाता है, लेकिन रंग फिर भी दिखाई देता है। तो इस प्रयोग से हम इसका निकालते हैं कि इस प्रयोग से निष्कर्ष निकालते हैं कि पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि छोटे कणों से और छोटे कण हम नहीं कर सकते। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि पदार्थ के कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता।
इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। इन कणों को हम अणु या परमाणु कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब लेते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ में कुछ गुण होते हैं तो सबसे पहले लेते हैं पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पहला गुण लेते हैं पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। इस बात को समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करेंगे। एक बीकर में हम थोड़ा जल लेते हैं। जल को चिन्हित कर देते हैं जहां तक जल भरा है वहां हम एक चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह लगा देते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। थोड़ा सा नमक डालते हैं तथा नमक को कांच की छड़ से मिला देते हैं। हम देखते हैं कि जल के तल में कोई अंतर नहीं आता। हम देखते हैं कि जल के तल में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है कि नमक के कण जल के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। एक लाइन और लिख लें। अतः हम कह सकते हैं है
कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है।